फ्रैंकलिन, मैं तुझसे सच बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा देखा ही नहीं। अबे क्या नहीं देखा तूने, मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? एक मिनट टोनी शार्क, अभी तो मुझे भी समझ आ रहा है गाइस, वाटर में लावा की बकेट लिटरली में। दोस्तों आप सभी को भी दिखाता हूँ, टोनी शार्क कह रहा था कि पानी में लावा निकल रहा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कहीं ये लावा सुनामी के साइन तो नहीं है? बिल्कुल फ्रैंकलिन, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि पानी में अगर लावा सर्वाइव कर रहा है तो सोच अगर ये लावा पूरे पानी को घेर लेगा तो। अबे ये कौन है? मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो लावा एंड वाटर गॉड है, पानी और लावा का मिलाव। गाइस ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो पूरी दुनिया लावा सुनामी में दफन हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा हुआ क्या जो आप इतने कमजोर हो गए? बताता हूँ, एक समय की बात है मेरे बच्चों, जब मैं 40-headed ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड हुआ करता था, मेरी वजह से दुनिया के वॉल्केनोज और पानी की सुनामी में शांति रहा करती थी। ओ माय गॉड, मैं तो सर आपका फैन हो गया, मतलब आपकी पास सेल्फ का। आपने तो पूरे ब्रह्मांड को घेर रखा है लिटरली में, इतने लंबे चौड़े थे आप। लेकिन ये कौन है? अबे फ्रैंकलिन, ये तो ब्लू डायमंड गॉड है। क्या डायमंड गॉड? लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? वो असल में दुनिया का सबसे रिचेस्ट गॉडों में से एक है मेरे बच्चों। उसने मेरे पानी और लावा पे काबू करने के लिए अपने कुछ डायमंड्स मुझे दे दिए, लालच में आकर मैंने ले लिए, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद क्या हुआ? वो असल में डायमंड्स कोई नॉर्मल डायमंड नहीं थे, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था, वो एक तरह के एक्सप्लोसिव थे। उन्होंने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट किया और मुझे अंधा बनाने लग गए। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर लावा एंड वाटर गॉड ने लालच में आकर डायमंड गॉड से धोखा खा लिया। अब तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने भी यहां पर पूरी तरह से अटैक करने की कोशिश की, डायमंड गॉड को सबक सिखाने की कोशिश की मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं थे, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा पावरफुल थी। डायमंड गॉड ने एक एक करके मेरे 20 हेड्स को चुरा लिया। क्या 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 क्या, क्या फ्रैंकलिन, सुना तूने? 20 हेड चुरा लिए गए भाई। ओ माय गॉड, अरे भाई गाइस, हमें टोनी स्टार्क यार, हमें मदद करनी पड़ेगी यार ऑल फादर वाटर एंड लावा गॉड की। अगर वाटर एंड लावा गॉड पे हमने नियंत्रण नहीं पाया, कंट्रोल नहीं पाया, तो गाइस पूरी दुनिया लावा सुनामी में दफन हो जाएगी, हमारे अपने प्यारे लोग सब खत्म हो जाएगा। गाइस प्लीज जल्दी से, यहाँ पर आप सभी को हमारे ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड की मदद करनी होगी। जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब। बिल्कुल फ्रैंकलिन, हम अपने लावा एंड वाटर गॉड के साथ खड़े हैं। गाइस अगर आप हमारे साथ हो तो कमेंट में एटी गेमर ओपी जरूर लिखिए। उसके बाद मेरे बच्चों, डायमंड गॉड जाने के बाद एक और गॉड आया। कि क्या और गॉड है? ये क्या है? अबे फ्रैंकलिन, ये तो ग्रीन लाइटनिंग गॉड है, और ये रेड लाइटनिंग गॉड है, और भाई इतना ही नहीं, यार लास्ट वाला तो ब्लैक लाइटनिंग गॉड है। फ्रैंकलिन, इनकी ट्रिलॉजी के तो बहुत बड़े बड़े किस्से सुने मैंने, इन्होंने ना जाने कितने ब्रह्मांडों को अपनी बिजली से तबाह कर दिया, लेकिन ये हमारे वाटर एंड लावा गॉड के पास क्यों आया है? उसने भी वही चाहा जो वो खतरनाक डायमंड गॉड चाहता था, उसने मेरे 20 हेड्स चुराने की कोशिश की। लेकिन सर आपने कोशिश नहीं की, मैंने पूरी ताकत से मेरे बच्चों लड़ने की कोशिश की, 3 साल तक हमारा युद्ध चला, लेकिन इन द एंड मैं हार गया मेरे बच्चों, मैं हार गया। मेरे 20 हेड्स ऑल फादर लाइटनिंग गॉड चुरा कर ले गए, और बाकी के 20 हेड्स वो खतरनाक ऑल फादर डायमंड गॉड। अरे टोनी स्टार्क, ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं बहुत छोटा हो गया और मैं एक लावा की बकेट में ट्रांसफॉर्म होकर पानी में सरवाइव करने चला गया। लेकिन मेरे बच्चों अब समय है मुझे बचाने का, लेकिन हम आपको कैसे बचाएंगे? फ्रैंकलिन मेरे बच्चे, अपना स्मार्टफोन खोल, तुझे बहुत सारे पैसों का इस्तेमाल करके साइट का लॉक तोड़ना होगा। गाइस मेरे पास तो पैसे नहीं है, लॉक नहीं तोड़ सकता मैं, एक और तरीका है। गाइस अब तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, साथ साथ में कमेंट में एटी गेमर ओपी लिखो। बिल्कुल गाइस, फिर जरूर वो वेबसाइट का ताला टूटेगा और हम अपने ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड की मदद कर पाएंगे। क्या लिखा है फ्रैंकलिन यहां पे? सूट प्राइस $2,000 मिलियन और दूसरा सूट प्राइस 4,000। अरे टोनी स्टार्क, कुल मिला के हमें $6,000 मिलियन चाहिए, तब जाकर हम ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड के सारे सूट खरीद पाएंगे। अब इतना पैसा कहां से लाएंगे? मेरे बच्चों इस गन का इस्तेमाल करके तुम किसी भी तरह के जीव जंतु को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या? लेकिन गाइस हम किसी अच्छे इंसान को पैसों में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, ये छिक गॉड, ये क्या चल रहा है? ब्रेकिंग न्यूज़, डायमंड गॉड ने मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया है, वो जबरदस्ती मिलिट्री वालों से अपने छोटे छोटे क्लोन्स बनाकर बहुत
बहुत ज्यादा अमीर होना चाह रहा है। बचा लो रे। क्या टोनी स्टार्क, हमें जल्दी चलना पड़ेगा, मिलिट्री बेस पे हमला हो। अरे भाई वो भी क्या गाइस, ये तो वही है। अबे फ्रैंकलिन देख यार ये कितना विशाल है, ये ऑल फादर डायमंड गॉड है और यहाँ पर ही अपने क्लोन्स बना। अबे फ्रैंकलिन ये क्या, यहाँ पर तो ऑलरेडी मिलिट्री बेस के लोग काम कर रहे हैं इसके क्लोन बनाने के लिए। टोनी स्टार्क मेरे पास आइडिया है, ये डायमंड है भाई और ये गॉड भी है, हम इसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब इतने बड़े गॉड को नहीं कर पाएंगे, हमारा इतना पोटेंशियल नहीं है। अरे गाइस एक मिनट, मैंने करने की कोशिश की, ये कहाँ गया फ्रैंकलिन, कहाँ फंस गया? ये गाइस हम जाल में फंस चुके हैं, हेल्प मी ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड, मदद करो। अब फ्रैंकलिन कहाँ फंसवा दिया भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, पैनिक नहीं होते, मेरे पास एक आइडिया, जो गॉड ने हमें गंदी थी ना उसका इस्तेमाल करके क्या पता हम इस वॉल को तोड़ पाए। बात तो सही कह रहा है तू, ये टूटी। अरे भाई ये डायमंड्स है गाइस, मैंने लिटरली मैं ध्यान नहीं दिया, ये तो बहुत सही तरीके से मैं पैसा कमा रही है। वाह फ्रैंकलिन वाह। चलो गाइस अब डायमंड गॉड के जितने भी सोर्स है सबको पैसों में करवा रहे हैं। बरकुरदार कौन मारा, हटो यहाँ से, मैं तुम सबको पीट दूंगा। ये लो, तुम बुराई का साथ देते हो मिलिट्री वालों, ये लो गाइस हमने मिलिट्री वालों की तो बैंड बजा दी। अभी ना, अबे तू भी हट यहाँ से। गाइस ये सब के सब बुरे लोग थे, मैंने इनको पीट डाला, लेकिन गाइस अब समय आ गया इन डायमंड गॉड को सूट को पैसों। रे भाई अबे फ्रैंकलिन जल्दी कर, हमें 2,000 मिलियन डॉलर जल्द से कलेक्ट करने होंगे जिससे कि हम ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड का सूट खरीद के इस डायमंड गॉड को हरा पाए। बात तो सही कह रहा है भाई तू, हम इस डायमंड गॉड को भी हरा देंगे, लेकिन पहले इसके सूट को पैसों में करवा। ये अरे नहीं गाइस 100 मिलियन डॉलर कम पड़ गए। अबे फ्रैंकलिन ऐसा मत बोल, मेरे सूट्स कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हमने तेरे सूट नहीं लिए भाई, हम तो पैसा लेके जा रहे हैं। अब फ्रैंकलिन मर गए भाई, कुछ कर, अरे मर गए रे। गाइस आइडिया, मैं ना यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर भाग सकता हूँ। अबे फ्रैंकलिन ये कैसा आइडिया है? गाइस चलो शुक्र है, एक मिनट वो क्या है, जल्दी जाता हूँ, बहुत महंगे सूट हैं, मिलिट्री बेस से 3 साल से बनवा रहा था वो डायमंड गॉड, पता नहीं कहाँ से आ गया, जल्दी जाता हूँ। अबे टोनी स्टार्क देख, ये रेड हल्क अपने हल्क बस्टर के सूट्स को लेके कहाँ भाग गया? टोनी स्टार्क मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया भाई? समझ गया तू क्या चाह रहा है। बिल्कुल, मैं ना पानी में जाऊंगा और वो जितने भी हल्क बस्टर के सूट्स हैं उनको पैसों में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि हमारे गॉड ने बताया था इस गन से ना हम किसी भी सूट को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम पानी में कूदने वाले हैं, फ्रैंकलिन यार शार्क ना खा जाए हमको। अबे डर मत, हमें बस 100 मिलियन डॉलर चाहिए। बिल्कुल गाइस ये तो है डायमंड गॉड। अबे मैं तो पानी में कूदा था, ये कहाँ गया? मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ गया। गाइस ये तो कोई जादू मंत्र है। ओह माय गॉड, ये तो यूनिवर्स आगे वागी जिला है और ये तो गॉड जिला है गाइस। लेकिन जो ढूंढने आए थे गाइस वो, अरे गाइस ये रे हल्क बस्टर्स के सूट। टोनी स्टार्क को करना पड़ेगा कुछ। नहीं मैं करूंगा कुछ, तो काम कर टोनी स्टार्क, तू यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी अरे भाई ये क्या, टोनी स्टार्क बचा मुझे। अबे फ्रैंकलिन क्या हो गया? अरे गाइस ये क्या, नो मैंने तो सोचा था टोनी स्टार्क उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा और मैं उन सभी हल्क बस्टर के सूट को पैसों में कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन गाइस ये तो मैं किसी जाल में बंद हो गया। नो गाइस अगर मेरे पास कोई सुपर पावर आ जाए तो मैं इस खतरनाक बोर्ड से, इस खतरनाक वॉल से बाहर निकल सकता हूँ। हेल्प मी ऑल फादर वाटर एंड लावा गॉड, मेरे बच्चे अपना स्मार्टफोन निकाल और एक सूट खरीद ले। क्या सूट खरीद लूं? नीड टू अनलॉक 42,000 गोल्ड कॉइन चाहिए, 38,000 रेड कॉइन। क्या गाइस उसके लिए तो हमें ग्रैंड रन गेम में जाना पड़ेगा। तो गाइस ये रही हमारी शॉप ग्रैंड रन गेम की, आप सभी को अगर पता ना हो तो हमारे गेम का अपडेट आ चुका है और इस शॉप से ना मैं यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सूट खरीद सकता हूँ। कौन सा सूट खरीदूं गाइस? ये तो, अरे भाई ये तो आइस गॉड का सूट है गाइस, और मेरा ही फेस है गाइस, देखिए क्या ही पावर है। और गाइस ये है आइस एंड सन गॉड का सूट, लेकिन नहीं, अरे गाइस इस सूट को देखिए, ये तो गॉडफादर टाइटन का सूट है और इस पे शक्ल भी मेरी है, चलो इसको खरीदता हूं। नो गाइस मेरा बैलेंस 0 है और यहां पर ना तो मेरे पास कॉइन है रेड वाले, नहीं गोल्ड वाले। गाइस मुझे चाहिए, अरे भाई रेड, तू यहां क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? अरे ये कहां गया मैं? ओह माय गॉड फ्रैंकलिन रुक जा, गाइस यहां तो इतने सारे गोल्ड कॉइन है। वाह ग्रैंड रन गेम तो बहुत ही अच्छा है। चलो गाइस एक काम करते हैं, सारे के सारे कॉइंस चुरा लेते हैं। फ्रैंकलिन रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस मैं सारे कॉइंस चुरा कर जितने भी कॉइंस है ना उनका इस्तेमाल करके गॉडफादर टाइटन का सूट अनलॉक कर लूंगा इस गेम में। उसके बाद हम उस सूट को अपने रियल वर्ल्ड में लेके आ जाएंगे और उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके दोस्तों हम ना साथ में टोनी स्टार्क और मैं और आप सभी मिलके, अरे बाप रे, अपने ऑल फादर लावा एंड वाटर गॉड की, ओ नो ये क्या, आप कैसे बचेगा? आइडिया गाइस मैंने इंजेक्शन यूज कर लिया, क्या बात है दोस्तों, मैं स्पीड में भाग रहा हूं, मुझे बहुत सारे रेड कॉइन चाहिए और बहुत सारे गोल्ड कॉइन, तभी जाके मैं गॉडफादर टाइटन फ्रैंकलिन वाला सूट अनलॉक कर सकता हूं। चलो गाइस अब जल्दी भागता हूं और यहां पर जितने भी कॉइंस है उनको कलेक्ट लेता हूं। फ्रैंकलिन मेरा कॉइंस वापस कर। अरे बाप रे गाइस 1 घंटा लगा लेकिन मैंने यहां पर 4 लाख से ज्यादा गोल्ड कॉइन और 43,000
और रेड कॉइन कलेक्ट कर लिए। गाइस अभी काम करते हैं, जल्दी शॉप में जाते हैं और जाकर गॉडफादर टाइटन फ्रैंकलिन का सूट खरीद लिया मैंने। फ्रैंकलिन नहीं, तूने इतना बढ़िया सूट कैसे खरीद लिया? मैंने तेरे कॉइन से खरीदा रेडल। चलो गाइस अब अपनी रियल दुनिया में जाते हैं सूट को लेकर। बहुत टाइम से यहाँ पर भाग रहा हूँ। देखिए गाइस मैं ना ग्रैंड रन गेम से यहाँ पर अपना सूट ले आया। क्या बात है, अभी देखो गाइस सूट की सुपर पावर्स। अगर आप सभी भी मेरी तरह सुपर पावरफुल बनना चाहते हैं तो ग्रैंड रन गेम डाउनलोड जरूर करना। अबे वाह फ्रैंकलिन, मैं भी इस गेम को डाउनलोड करूंगा, लेकिन डाउनलोड कैसे करना है वो तुझे जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन देना, लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा ग्रैंड रन की पे, वहां से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है मैं कर लूंगा। ओके गाइस अब चलो जल्दी से ना यहां पर जितने भी हल्कबस्टर के सूट है ना इन सभी को पैसों में कन्वर्ट करते हैं। गाइस ये हमारा क्या बात है 25 और ये हमारा। ओके गाइस हमने ना रेडल के इतने सारे रेड कॉइन भी चुराए, गोल्ड कॉइन भी चुराए और साथ-साथ में उसका ब्लू हल्कबस्टर के सूट भी चुराए। ऑलराइट गाइस मेरे पास $2 million हो चुके हैं। अबे 2 मिलियन नहीं फ्रैंकलिन, 2000 मिलियन हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, चल टोनी स्टार्क जल्दी चलते हैं अपने ऑल फादर वाटर एंड लावा गॉड के पास। वाह मेरे बच्चे वाह। तो गाइस अब यहाँ पर हम ऑल फादर वाटर एंड लावा गॉड सूट का एक नया सूट खरीदने वाले हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन जल्दी खरीद यार, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। कैसा सूट है ये, चिंता मत कर ये खरीदा मैंने। गाइस लुक एट दिस सूट यार, कितना विशाल है ये। वाह मेरे बच्चे शुक्रिया, यहाँ पर तूने मेरी बहुत मदद की। टोनी स्टार्क मैं तुझे तेरा गिफ्ट देता हूँ। क्या बात है, मेरे पास भी फ्रैंकलिन यहाँ पर वाटर एंड लावा गॉड का सूट आ गया। मेरे पास तो गॉडफादर टाइटन हल्क का सूट है। चल फ्रैंकलिन कोई नहीं, आगे ना देख लूंगा तेरे से बेटर सूट लेकर आऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस, मुझे ना यहाँ पर डायमंड गॉड को पैसों में कन्वर्ट करना है। अरे हाँ गाइस यहाँ पे, अरे एक मिनट टोनी स्टार्क क्या हुआ मुझे? अरे भाई ये कौन आ गया? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा डायमंड गॉड। ऐसा क्या मुझे बर्बाद करेगा तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे गाइस, इनकी लड़ाई में हमारी बैंड बज रही है। बाप फ्रैंकलिन ये कहाँ फंस गए भाई, हमारी तो हालत खराब हो गई है। ये कीड़े कौन है? अरे मुझे मारता है तू लाइटनिंग गॉड। हाँ मैं तेरे सारे डायमंड छीन लूंगा, तेरे सारे सूट चुरा लूंगा। अबे टोनी स्टार्क देख, डायमंड गॉड को तीनों लाइटनिंग भाई कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन यही मौका है, इनकी लड़ाई में ना हम हाथ साफ कर लेते हैं। तू कहना क्या चाह रहा है? देख अरे भाई फ्रैंकलिन देख, ये तो 15-16 है। अरे भाई इन लाइटनिंग गॉड्स ने डायमंड गॉड के कितने सारे हेड चुरा लिए। नहीं कोई बचाओ मुझे। टोनी स्टार्क मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया तो मेरे पास है फ्रैंकलिन, तू देख यहाँ पर मैं डायमंड गॉड को अभी पैसों में कन्वर्ट कर लिया हूँ। वाह मेरे पास तो $1,100 million आ गए। अब जल्दी से इस रेड लाइटनिंग गॉड के जितने भी सूट है ना उसको पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जल्दी चलता हूँ। तुम मेरे सूट कन्वर्ट करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बहुत ज्यादा हेल्प में वाटर एंड लावा गॉड, हमारी मदद करो। अरे वाटर एंड लावा गॉड हमारी मदद करो। मेरे बच्चों मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये लो। बहुत है फ्रैंकलिन ये किया मैंने। अरे वाह फ्रैंकलिन मैंने यहाँ पर शॉक साथ लाइटनिंग गॉड्स को पैसों में कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट गाइस अब यहाँ पर $4,000 million में हम खरीदने जा रहे हैं सूट प्राइस का ऑलमोस्ट सबसे महंगा सूट, मतलब दुनिया का सबसे महंगा सूट है लिटरली में। इससे ज्यादा प्राइस मैंने किसी सूट का देखा नहीं। और ऊपर से गाइस ये तो ऑल फादर 40-headed लावा एंड वाटर गॉड का सूट है। बच्चों अब दुनिया में शांति आएगी। और इतना ही नहीं गाइस, मुझे और टोनी स्टार्क को लावा गॉड और वाटर गॉड ने खुश होकर इतने प्यारे प्यारे सूट दिए और इतना सारा सोना और जवाहरात दिया क्योंकि हमने लावा सुनामी को रोक लिया। गाइस अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।